इसके बाद आपका आ रहा है मोलस्का। मोलस्का में जैसे आपने सीप देखा हो, संख देखा हो, है ना, ऑक्टोपस देखे हो, ये किस में आते हैं? मोलस्का में आते हैं, ठीक है ना। घोंगा आपने देखा हो, एक सी है ना एनिमल्स होता है, वो संख से निकलता है, वो सब किस में आते हैं? मोलस्का में आते हैं। दिस फाइलम इंक्लूडिंग एनिमल्स लाइक मसल्स, कॉन्सेस एंड ऑक्टोपस ईटीसी। द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम हैव सॉफ्ट बॉडी, यानी कि जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। वो आपने एक एनिमल्स देखा होगा, वो जो ब्लेड के ऊपर भी आसानी से चल सकता है, चिपचिपा होता है। देयर फॉर दीज एनिमल्स करेक्टरिस्टिकली मेटाफेज एंड एक्सटर्नल और इंटरनल सेल, द सेल इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो इनके ऊपर एक सेल होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम, जैसे संख बना होता ना, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। उस संख के अंदर कीड़ा होता है, वो आपने अगर संख के अंदर का जो कीड़ा देखा होगा वो ही है मोलस्का, ठीक है। संख या सीप के अंदर का जो कीड़ा आपने देखा होगा, सीप के अंदर जो होते हैं, संख के अंदर जो होते हैं वो आपने देखे होंगे, वो क्या कहलाते हैं? मोलस्का कहलाते हैं। बॉडी इज आल्सो कवर्ड विथ एन इलास्टिक कवरिंग कॉल्ड मेंटल। एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सो बाइलेटरली सिमेट्री, द सिमेट्रिकली इज लॉस्ट इन सम एनिमल्स ड्यू टू टॉर्जन। बॉडी इज अनसेगमेंटेड बट इट इज डिवाइडेड इन टू हेड, डॉर्सल, विसरल मास एंड इज वेंट्रल फूट। इनमें एक वेंट्रल फूट पाया जाएगा, पैर पाया जाएगा, हेड पाया जाएगा और एक डॉर्सल विसरल मास होता है। दीज एनिमल आर फाउंड इन वाटर एंड आल्सो ऑन लैंड। अधिकतर किस में पाए जाते हैं? पानी में, और कुछ लैंड में भी पाए जाएंगे। रिस्पायरेशन अकर थ्रू गिल्स और लंग्स, कुछ में गिल्स के द्वारा होगा, कुछ में लंग्स के द्वारा होगा। दे आर गिल्स आर कॉल्ड टिनिडिया, इनके जो गिल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? टिनिडिया कहलाते हैं। दिस सेक्स आर यूजली सेपरेटेड, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल पाइला, यूनियो है ना, पेनेक्टा, पेनेक्टडा, टर्बिनेला, स्सीपिया आदि। इसके बाद फाइनल आपका फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा, जो नॉन कॉर्डेटा का लास्ट है। इसके बाद कॉर्डेटा आएंगे, जो आपको नेक्स्ट हम देंगे। द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम इंक्लूडिंग एनिमल्स लाइक स्टारफिश, सी ऑर्चिज, सैंड डॉलेरा, सी लिली ईटीसी, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में होंगे ये, अधिकतर कैसे होते हैं? स्टार शेप होते हैं। द एनिमल्स आर करेक्टरिस्टिक बाय रफ एंड स्पाइनी स्किन, यानी जो इनकी स्किन होगी वो रफ होगी, जिनमें कांटे पाए जाएंगे, एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये इनका एक स्पेशल करेक्टर है कि इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये याद रखना कि इकाइनोडर्मेटा में का जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो अधिकतर ये पूछा जाता है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, ये याद रखना है। द एनिमल आर फाउंड ओनली इन सी वाटर, यानी कि हमेशा समुद्री पानी में ही पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा। एनिमल्स आर यूजली स्टार शेप, यानी ये कैसे होते हैं? स्टार शेप होते हैं। सो मे बी राउंड और इलोंगेटेड एनिमल्स, सो पेंटावेरस, यानी रेडियल, यानी इनमें चार पांच पांच भुजाएं होती हैं, सिमेट्री बट, और ये जो होंगे वो पेंटावेरस रेडियल सिमेट्री होंगे, यानी इनकी बॉडी को पांच अगर काटा जाए तो पांच ऐसे तरीके होंगे जो इन्हें बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। एंडोस्केलेटन इज मेसोडर्मल, लोकोमोशन अकर विद द हेल्प ऑफ द ट्यू फीट, जिनमें लोकोमोशन होगा वो ट्यू फीट के द्वारा होगा। बॉडी कैविटी इज सीलोम इज मॉडिफाइड, इनकी जो सीलोम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी टू फॉर्म एन स्पाइनल सिस्टम कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होगी, अनसेगमेंटेड नहीं होगी। सेक्स आर सेपरेटेड, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। एस्टेरियस
यानी स्टार फिश, होलोथुरिया यानी सी कुकुम्बर और एकिनस यानी सी आर्चिना, ये इनके एग्जाम्पल हैं, है ना। ये स्टार फिश बना होगा, इसका डायग्राम आपको बनाना है।